छत्तीसगढ़ से धान खरीदी से मनाही के बाद राज्य सरकार ने केंद्र को फिर से पत्र लिखा है, जिसमें केंद्र के फैसले पर पुनः विचार करने का आग्रह किया गया। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि केंद्र सरकार पूर्व में जो छत्तीसगढ़ से धान लेती रही है, कांग्रेस सरकार बनने के बाद हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया था धान खरीदी को बढ़ाकर 32 लाख टन किया जाए, 32 लाख टन चावल लिया जाए जो कि पूर्व में 26 लाख टन था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पत्र के जवाब में सिर्फ आपको 25 तारीख को लिखा था ये पत्र कि छत्तीसगढ़ से धान खरीदी नहीं की जाएगी, केवल जो छत्तीसगढ़ के जरूरत के मुताबिक है उतना ही चावल लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा चावल बचेगा उसका अब क्या होगा, छत्तीसगढ़ के धान खरीदी में इस तरह की बाधा डाली जा रही है। इधर गोबर है